जय श्री कृष्ण। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। ये कहानी शुरू होती है मथुरा राज्य से। उस दिन संपूर्ण मथुरा राज्य सुंदर ढंग से सजा हुआ था। और क्यों ना हो, आखिर आज राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी का वसुदेव के साथ विवाह जो होना है। विवाह के दूसरे ही दिन जब वर वधु को विदा किया जा रहा था, तो देवकी के भाई कंस ने घोषणा की कि वो खुद रथ को वसुदेव के घर तक चलाकर ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली और शंख ध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधु विदा हुए। मथुरा के लोगों ने वर वधु पर पुष्पों की वर्षा की और नाचते गाते हुए खुशियां मनाई। देवकी का चेहरा किसी दुल्हन की तरह ही खुशी से दमक रहा था। सारा मथुरा आनंद से विभोर था। पर अचानक इस आनंद, इस प्रसन्नता पर मानो विराम लग गया। आसमान में काले बादल घिर आए और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई। ए मूर्ख कंस, सावधान हो जा। देवकी का आठवां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने देवकी और वसुदेव की तरफ क्रोध से देखा और वो दोनों भय से कांपने लगे। मैं तत्काल तेरी हत्या कर इस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध कर दूंगा। नहीं। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वासुदेव, तुमने सुना नहीं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। हे कंस, तुम एक बड़े राजा हो, एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। आखिरकार हम सबको मरना ही है। देवकी निर्दोष है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकती ना? नहीं। तो कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं ये वचन देता हूँ, वो जब भी किसी बालक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, अब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना। इस तरह खतरे को दूर होता देख वसुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ भविष्य के ऊपर छोड़ दिया। समय गुजरता गया। फिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन का पालन करते हुए वसुदेव उसे ले गए कंस के पास। हे कंस, ये मेरा प्रथम पुत्र है और मेरे वचन के अनुसार इसे मैं लेकर आया हूँ। वसुदेव, इस शिशु को लेकर मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिर तुम्हारे आठवें शिशु द्वारा मेरी हत्या होनी है, मैं इसे अनावश्यक रूप से क्यों स्वीकार करूं? कृपा कर इस शिशु को वापस ले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा है कंस। वसुदेव प्रसन्न होकर वापस तो लौट गए, लेकिन उन्हें शंका थी कि कंस का मन कभी भी पलट सकता है। नारायण 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 नारायण। हे कंस, ये आपने क्या किया? क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि देवकी के सारी संतान स्वयं भगवान विष्णु के अंश है? भगवान विष्णु के सहयोगी तो यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। वे सभी आपके और आपके राक्षस मित्रों के खिलाफ युद्ध में उन्हें सहयोग देंगे। हे कंस,
सावधान हो जाओ, कोई खतरा मत मोल लेना। नारायण 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 नारायण। इतना कहकर नारद वहां से रवाना हो गए और कंस को क्रोध की ज्वाला में जलता छोड़ गए। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने ही उन्होंने उनके शिशु को मार डाला। कंस के अत्याचार की तो ये शुरुआत थी। सबसे पहले तो उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और फिर उसने उनका राज्य भी हड़प लिया। फिर अपने राक्षस मित्रों की सहायता से वो अन्य राज्यों पर भी बलपूर्वक आधिपत्य जमाने लगा। इसी बीच वो देवकी के सभी पुत्रों की उनके जन्म के तत्काल बाद ही हत्या करता चला गया। देवकी एवं वसुदेव की पीड़ाओं का मानो कोई अंत ही नहीं था, पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय हो चला और आसमान प्रकाशमय हो गया। ये इस बात का संकेत था कि भगवान के अवतार लेने का समय निकट है। देवकी के चेहरे से भी ये समझा जा सकता था। देवकी को इस रूप में मैंने पहले कभी नहीं देखा। हो न हो उसके गर्भ में भगवान की मौजूदगी की वजह से ही उसका चेहरा इस प्रकार दमक रहा है। मुझे उसकी हत्या, नहीं नहीं, किसी गर्भवती महिला की हत्या, और वो भी अपने बहन की, नहीं, ये पाप अपने सिर लेकर मैं अपना जीवन नहीं बिता सकता, कदापि नहीं। सावधान रहो और जैसे ही इस शिशु का जन्म होता है मुझे इसकी सूचना दो। भगवान के अवतरित होने की संभावना से कंस आशंकित था, पर धरती माता भगवान का स्वागत करने को व्याकुल थी। भगवान के आगमन की संभावना मात्र से मानो सारे लोग प्रसन्न थे। अंततः वह शुभ क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग्न में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को आठवें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने आठवें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था और दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा हेतु ये जन्म लिया है, पर आपके जन्म का समाचार सुनते ही कंस आपकी हत्या करने आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, पर उस दुष्ट कंस की दृष्टि आपके इस दैवी रूप पर नहीं पड़नी चाहिए। अतः आपसे विनती करते हैं कि आप सामान्य शिशु का रूप धारण कर ले। हे मेरी माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से, दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। गोकुल में नंद के घर तक पहुंचने के लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ। और नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया। वसुदेव सुरक्षित नदी के उस पार पहुंच गए।
आखिरकार वो नंद के गांव पहुंच ही गए। अब मैं ये बालक यशोदा को सौंप देता हूं। याद रहे, इस बारे में किसी को पता न चले। महाराज को इस बारे में तत्काल सूचना देनी होगी। महाराज, महाराज, मैं आपको यह सूचना देने आया हूँ कि उस शिशु का जन्म हो चुका है। नहीं भ्राता, इस शिशु को न मारो, यह बच्ची मुझे दे दो, क्योंकि इसके पहले तुमने मेरे सारे निर्दोष बच्चों को मार डाला है, और यह तो एक बालिका है। इतनी छोटी बच्ची आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? कृपा कर, छोड़ दो इसे। इसे छोड़ दूँ? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे इस आठवीं संतान को मरना ही होगा। अरे मूर्ख, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे संहारक का जन्म कहीं और हो चुका है, सही समय पर वह तुम्हारा संहार करेगा, इसलिए भगवान की इच्छा को टालने का दुस्साहस मत कर। हे मित्र, हमें इतने तत्काल क्यों बुलाया? मैं विफल हो गया हूँ, अपने शत्रु की हत्या करने में असफल हो गया। क्या बोल रहे हो मित्र? हाँ, ये सच है, मेरे संहारक ने जन्म ले लिया, और अब आप सब मुझे ये बताइए मुझे क्या करना चाहिए। सबको मार डालो। हाँ, मथुरा एवं उसके आसपास के सभी नवजात बालकों को मार डालो। पर ये कौन करेगा? और कौन, तुम्हारी बहन पूतना। पर वो उस बालक के पास जाएगी कैसे? लगता है महाराज को मेरी शक्तियों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अब मुझे ये विश्वास हो गया है। जाओ पुतना, जाओ, जाकर मेरे शत्रु की हत्या करो और मुझे वो सुखद सूचना दो। जहाँ कंस और उसके राक्षस मित्र कृष्ण की हत्या